हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वीके क्लासेस। आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा कि जैसा कि हम क्लास टेंथ का हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस में हमने दो सेक्शन कंप्लीट किए, जिसे हर बार हमने लेक्चर के दौरान बताया हुआ है, आपका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन एंड सेकेंड वाला जो था वो रेस्पायरेशन वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको हमने ये बता रखा था आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला, जो तीसरा सेक्शन इसका चल रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने ह्यूमन बींग का ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग, या कह सकते हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं हम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसे बोला जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे हमने अब तक जो हमने रिकॉल करें, फिर से अगर अपने आप रिकॉल करें कि अब तक हमने उसमें क्या देखा, तो हमने देखा बेटा ब्लड का कंप्लीट हुआ कि ब्लड होता क्या है, सर्कुलेशन को हमने देखा कि ह्यूमन बींग में ब्लड आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका होता है, जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते थे। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, घुले रहते हैं, जिसमें हमने दो तरह से देखा कि ब्लड के कंपोनेंट्स आपको दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक प्लाज्मा था और दूसरा था आपका ब्लड कैप्सूल्स। ब्लड कैप्सूल्स को भी हमने डिफाइन किया कि तीन तरह की ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, जिसका हमने नाम दिया था आपको RBC, WBC और क्या था एक प्लेटलेट्स। इन सारे का हमने क्या किया, डिस्कस किया। और लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप का, जो एनसीईआरटी के थोड़ा सा बियॉन्ड था, क्योंकि सारे वाली बुक में आप पुराने वाली बुक्स देखेंगे कुमार मित्तल की या किसी और राइटर की देखेंगे, तो उसमें आपको सारे में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा हुआ बेटा, तो हम सारी चीज़ों को कवर करके चलते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम नहीं छोड़ने वाले बेटा। वो आप क्या करेंगे, चाहे जहाँ से भी जो भी किताबें हैं वो सारी नोट्स हम आपको सारे लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ आपका काम यह है कि आप नोट डाउन करते जाएंगे। जो चीज़ें एनसीईआरटी में मिल जाती हैं वो ठीक है, मैं बता देता हूँ, जो चीज़ें थोड़ा सा बाहर रहती हैं, अवेलेबल नहीं रह पाती, तो आपको लेक्चर्स के दौरान उसको आप अपनी रफ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि कल का पिछला लेक्चर जो हमारा कम्प्लीट हुआ था, जो लास्ट लेक्चर हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर कम्प्लीट हुआ, उसमें हमने ये सारे ब्लड के बारे में देख लिया, उसके फंक्शंस हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया सर लास्ट पॉइंट में, तो वो सारे फंक्शंस आपको क्या होते हैं कि अदर साइड बुक में हमने सारे देखा कि आपको क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज का जो लेक्चर है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, आज का लेक्चर आपके लिए इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड जितना इम्पॉर्टेंट था उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पॉइंट है। जैसे हमने आपको बता रखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में अर्थात सर्कुलेशन के लिए आपको बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें भाग लेते हैं, और वो क्या करते हैं, उन्हीं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे मैं पहले पॉइंट पे रखा हुआ था हार्ट के ब्लड के बारे में, तो ब्लड का डिस्कस कर लिया। दूसरा ऑर्गन्स हमारा जो था जो सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो था आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, आपका हमारे बैग में देखते रहे फिगर बना हुआ है बेटा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो जनरली हम आप बैग नहीं खाली, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पे जो भी आपको बनाया हुआ है वो एनसीईआरटी में सब मैच है, आपको दे रखा हुआ है फिगर बेटा, एनसीईआरटी का फिगर है, वो सारे आपको डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपको कि क्या कहते हैं हार्ट से पहले, तो हम थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं ब्रीफ रिवीजन करते हैं कि हार्ट क्या होता है। जनरली हमारी बॉडी में क्या होता है कि बेटा एक पंपिंग क्या होता है, ऑर्गन होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो आपको पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, तो उसको ट्रेवल करने के लिए बेटा आपको कोई भी पदार्थ को क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करने के लिए उसको क्या चाहिए, प्रेशर की आवश्यकता होती है या फोर्स की आवश्यकता होती है, तो वो फोर्स जो होता है वो आपको क्या होता है जनरेट होता है कहाँ से, आपके हार्ट से होता है। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वहाँ से जनरेट होता है, तो जनरली क्या होता है कि बॉडी में जो हार्ट वो पंप करता है, जिसके वजह से क्या होता है सारा का सारा ब्लड क्या होता है हमारी बॉडी में पूरा ट्रेवल करता है। तो पिछले हमने आपको देखा होगा कि आपको रेस्पिरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा था हमने कि ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको ब्लड के वजह से होता है, ठीक है। ब्लड में देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है,
ब्लड की कौन सी करती हैं, ब्लड कार्सल्स हमने देखा था ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे कि आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड कार्सल्स में से किसका काम है, आरबीसी का है कि डब्ल्यूबीसी का है, प्लेटलेट्स का है कि किसका है, कमेंट बॉक्स में आप क्या करें नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ ये आपको गैसेस के ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ब्लड की वजह से वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब कंडीशन ये है कि बेटा हमको जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉरी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हम वायुमंडल से हमने रेस्पारेशन बिल्कुल देखा, आपको डिटेल में देखा कि रेस्पारेशन में हम नेसल कैविटी की वजह से लेते हैं, नॉस्ट्रिल की वजह से, और वो ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है। तो लंग्स ही एक ऑर्गन ऐसा था जहां पे कॉन्टेक्ट होता था कि आपको ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स आपको 20 मात्रा में एल्वोली में पाई जाती है, वो हमने डिस्कस किया हमारे रेस्पिरेशन में। उस एल्वोली में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही क्या होता है, हार्ट पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, ऐसा नहीं कि पूरा फ्लो करता है खुला हुआ, ओपन टाइप का नहीं करता है, वो जनरली क्या होता है बेटा एक ब्लड वेसल्स होती है, वो लिखा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल हमारी बॉडी में पूरा जाल नेटवर्क बना रहता है और उसी में बंद होकर क्या होता है ट्रेवल करता रहता है। अब उसके वाल से क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो आपको एब्जॉर्ब की जाती है और ब्लड में पहुंच जाती है, वो एल्वोली में होता था, एब्जॉर्प्शन जो होता था हमने उसको डिस्कस किया, वहां से एब्जॉर्ब होकर वो क्या करता है बेटा हार्ट में जाता है, देखेंगे हम इसके दौरान पूरा डिटेल में देखेंगे, हार्ट में जाता है, हार्ट क्या करता है फिर पंप करता है और वो आपको ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में जब फैल जाता है तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है, हर सेल आपको क्या करती है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सेल में रेस्पिरेशन होता है, हर सेल में रेस्पिरेशन होता रहता है, तो वो उनको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी क्या कहते हैं इम्प्रूव करने के लिए वो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन होता रहता है। तो उसमें उसके दौरान हमने देखा था रेस्पिरेशन के दौरान आपको प्रोडक्ट क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता था। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, वो वेस्टेड गैसेज होती है जिसको ज़्यादा देर तक आपको रहती नहीं थी, इसलिए उसको क्या होता है बाहर निकाल दिया जाता है। वो बाहर कैसे निकलता वही फिर आपको क्या होता है ब्लड में घुलित होती है, ब्लड दोबारा से उसको एब्जॉर्ब करता है और वो लाकर लंग हार्ट तक ले जाती है, हार्ट फिर पंप करता है, लंग्स तक जाती है और लंग्स के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। तो हम क्या करें, एक पॉइंट आप भी देखें कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल रहा है बेटा कि आपका कि हार्ट कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको, और इसके जनरली हम क्या करते हैं कि जो आपको डिटेल तो बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, हमने बार बार कहा हुआ कि हाई स्कूल लेवल तक ही रहेंगे, हम सीमित रहेंगे क्योंकि इंटर लेवल तक और सारे ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ना है तो वहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हार्ट के बारे में। तो देखिएगा हार्ट क्या है, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन जो होता है वो होता है हार्ट, एंड हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन, वो क्या होता है मसल्स का बना होता है, और क्या होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो आपको याद होगा कि हमने नाइन्थ में पढ़ा रखा हुआ है बेटा, या फिर नाइन्थ में आपने पढ़ रखा होगा, नाइन्थ में एक चैप्टर रहा होगा टीशूज, जो टिश्यूज का हमने देखा हुआ था कि जो मस्कुलर टिश्यू होती है, जनरली मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है कि बोन्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और डिस्ट्रेस करती हैं, एक्सपेंशन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन या फिर आपको रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है चीज़ें गति करती है, जैसे हमारे मसल्स की वजह से हम गति करते हैं। लेकिन आपको उसमें मस्कुलर टिश्यू में आपको डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज बताए थे, उनमें से एक था आपको क्या कार्डियक मसल, तो हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। एक बात आपको याद रखेगा, जब भी आपको कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है, कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स का बना होता है, जब भी कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है कभी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो आप समझ लेगा वो बात किसके हो रही है, हार्ट के बारे में। ये कार्डियक वर्ड जो होता है वो हार्ट के लिए होता है, हृदय पेशियां जिसे कहते हैं कार्डियक मसल्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हृदय पेशियां, इसको हमने नाइन में देखा हुआ था। ठीक है, तो हमने बताया हुआ था कि आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे, तो ये डिफरेंट टाइप की मसल्स की बनी होती है, और इनमें क्या होता है बेटा, इनमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर उत्पन्न होता है और ब्लड को फ्लो करते हैं, कैसे करते हैं वो सारा फंक्शन हम आपको देखते हैं ना। ठीक, तो हार्ट क्या हुआ कि आपका मस्कुलर लेयर्स का मसल्स का बना होता है, एंड क्या होता है हमारे हाथ की मुट्ठी का आकार का होता है, जनरली ये लिखा हुआ हर बुक में लिखा होगा, हमारे जनरली क्या मुट्ठी के आकार का होता है, और हमको इसमें क्या करना ब्लड जो होता है, ब्लड में आपको क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है फोर्स करके ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड में आपको ध्यान रखिएगा दो तरह के आपको ब्लड आपकी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, वो होता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा अनप्योर ब्लड बोलते हैं, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
उसको कहा जाता है डीऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए मैच्योर रिच आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन आपको ब्लड में घुसी रहती है, तो जो ऑक्सीजन आपको मिली रहती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें रिच मात्रा में आपको क्या होती है ऑक्सीजन रहती है, घुली रहती है, और उसको हम कह सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं प्योर ब्लड कहा जाता है, इसको हम कहते हैं प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कहा जाता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि उसी ब्लड में आपको क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, तो उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है तो उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको हम कह सकते हैं बेटा अनप्योर ब्लड कहते हैं, अनप्योर ब्लड होता है। अब हम देखते हैं, ये हमको समझ में आ गया कि ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनप्योर ब्लड और प्योर ब्लड। क्या होता है ये रिच मात्रा में ऑक्सीजन क्या होती है ट्रेवल करती रहती है, इसी वजह से इनमें दो तरह का ब्लड आपको पाया जाता है, तो इस तरह से प्योर और अनप्योर। तो इसलिए अगर हम सेक्शन काटें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हार्ट का, तो उसमें हमको क्या मिलेगा चैम्बर्स मिलते हैं बेटा, छोटे छोटे चैम्बर्स मिलते हैं आपको, उन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, वो चैम्बर्स आपको बटे रहते हैं, ऊपरी वाला चैम्बर जो होता है उसको एट्रियम कहा जाता है, और जो निचली वाला चैम्बर होता है उसको हम कहते हैं आपको क्या कहा जाता है, उसको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, अर्थात ऊपरी वाले चैम्बर को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं निलय कहा जाता है। अब हमको समझ में आ गया कि अब ये चैम्बर कितने होते हैं, तो फोर चैम्बर हर्ट होता है ह्यूमन बींग का जन्म निकाले, ह्यूमन बींग का जो हर्ट होता है वो बेटा फोर चैम्बर होता है। तो हमको देख सकते हैं, हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखिए एक चैम्बर यहाँ पे, एक चैम्बर यहाँ पे, एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये, फोर चैम्बर हमने सेक्शन कर किया हुआ, और एनसीईआरटी का ही आपका है, एनसीईआरटी फिर से देख लीजिएगा बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसके दौरान हम देखेंगे हर्ट में क्या क्या संभावनाएं होती है या फिर ये वर्क कैसे करता है। तो हमको देखा गया कि जो ऊपरी वाला चैम्बर होता है इसकी साइड होती है, बीच में एक सत्ता होता है जो बेटा इन चैम्बर्स को आपको क्या होता है अलग करता है। तो इन चैम्बर्स को देखो एक सेप्टम पाई जाती है जो डिवाइडिंग वाल्व होती है, इन चैम्बर्स को अलग करती है। कैसे अलग करती है देखते हैं कि हमारा जो ये आपको राइट वाला पार्ट हुआ, यहाँ से इस वाल्व के लेफ्ट वाला पार्ट हुआ, राइट वाले पार्ट में आपको दो चैम्बर होते हैं, एक ऊपरी वाला और एक निचली वाला। ऊपरी वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं बेटा आपको एट्रियम कहा जाता है, जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, और निचले वाले चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स कहा जाता है, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लेफ्ट में आते हैं, और इनको इस राइट वाले को और लेफ्ट वाले को डिवाइड करने वाले एक डिवाइडिंग वाल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, एक वाल डिफाइन होती है, क्यों होती है उसको देखेंगे हम, आगे लिखा हुआ इंसर्टिंग वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे लेक्चर द्वारा। ये डिवाइड होता है और इसके लेफ्ट वाले को वैसे ही हम कह सकते हैं एक लेफ्ट आर्ट्रियम होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल, अर्थात नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वे वेंट्रिकल होते हैं और ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको हम आर्ट्रियम कहते हैं, ठीक है अलिंद कहते हैं। और ध्यान रखिएगा एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या अंतर होता है, तो एट्रियम की जो जो चैम्बर होता है वो क्या होता है स्मॉलर साइज का होता है इन कंपैरिजन टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो होता है बिगर साइज होता है। क्यों ऐसा होता है, माना जाता है कि वेंट्रिकल को फोर्स करना होता है, और ध्यान रखिएगा वेंट्रिकल की जो वाल्व होती है, जो उसकी भित्ति होती है, पेशी जो भित्ति होती है, वह आपको आर्किल की अपेक्षा क्या होती है मोटी होती है, या देखें इसकी भित्ति कितनी मोटी होती है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहीं से प्रेशर जनरेट होगा, तो वो क्या होता है पूरी शरीर में ब्लड आपको क्या होता है वेंट्रिकल के माध्यम से जाता है, उसके प्रेशर से जाता है। तो हम देखेंगे आप डिस्कशन में हम देखते हैं लेक्चर के दौरान। तो ये रहा आपका, अब कंडीशन क्या रहती है कि पूरा एक अनप्योर ब्लड सपोर्ट करो या फिर मतलब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच गया, रेस्पायरेशन हुआ, रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई सेल से, जैसे ही रिलीज हुई तो वो कहां जाएगी आपको अनप्योर ब्लड में जाएगी, ठीक है अनप्योर ब्लड में जाएगी। अनप्योर ब्लड में क्या होता है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी जो सेल्स होंगी, ब्लड सेल्स होंगी जो उसको भाग लेते हैं, एब्जॉर्ब करके
वो आपको एब्जॉर्ब करेंगी जैसे ही, तो वो ब्लड में आपको क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे ब्लड को हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अनप्योर ब्लड। अनप्योर ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी का इकट्ठा होता है, हमारी बॉडी का पार्ट होता है, ये अपर पार्ट हुआ हेड वाला, फिर ये थोरैक्स वाला पार्ट हुआ बेटा, ये लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट हुआ, तो अलग अलग पार्ट हुए, ये आर्म्स हुई और आपको क्या होते हैं पैर में लेग्स हुए। तो इनके क्या होते हैं, ये सारे ब्लड में इनमें एक ओटा होता है, ये भी कहीं लिखा होगा आपको देखिए, सॉरी वेना कोआ होता है, जिसको हम कहते हैं महाशिरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, महाशिरा में आगे क्या होता है, एक महाशिरा आगे खुलता है और वो महाशिरा द्वारा क्या होता है, वो महाशिरा जो होती है वो हार्ट के, ध्यान रखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, वो पूरी बॉडी का अनप्योर ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो बेटा क्या होता है, पतली पतली क्या होती है सिराओं द्वारा एब्जॉर्ब करके, वो एक मेन आपको महाशिरा जिसे कहते हैं उसमें जाके क्या होता है छोड़ता है। और वो महाशिरा जो होती है वो जाके आपको कहाँ खुलती है, आपको राइट जाके राइट एट्रियम में खुलती है, आपको दाहिने अलिंद में खुलती है, वहां पे खुलती है और वो दाहिने अलिंद में, अर्थात बॉडी का समस्त जो अनप्योर ब्लड होता है वो सबसे फर्स्ट टाइम आपको एंट्री करता है। तो कहाँ पे, हार्ट के किस भाग में एंट्री करता है, तो आपको बता देना है कि राइट एट्रियम में क्या होता है, एंट्री करता है पूरी बॉडी का। अब वो राइट एट्रियम में क्या एक ही राइट एट्रियम में जाती, तो नहीं बेटा ध्यान रखेगा, किसी किसी इंसर्टिंग तो नहीं लिखा हुआ, कहीं साइड वाले बुक में भी कहीं मिल जाएगा। वो क्या करता है कि उनके पास तीन क्या होते हैं वेना कोआ होती है, तीन महाशिरा होती है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि हेड वाला का पार्ट अलग होगा, तो हेड वाले का जो वेना कोआ होगी वो अलग होगी, वो भी जाके राइट एट्रियम में खुलती है, फिर से उसका लोअर बॉडी का जो ले जाएगा, थोरैक्स का जो ले जाएगा, तो अलग अलग वेना कोआ होंगी, वो वेना कोआ जो होती है महाशिरा वो सारी की सारी तीनों की तीनों कहाँ खुलती है, राइट एट्रियम में खुलती है। ठीक, क्लियर हुआ, राइट एट्रियम में ब्लड जैसे ही पहुंच गया, ब्लड यहाँ पे पहुंचा, और कब पहुंचता है, जब वहां पे पहुंचता है तो इसमें हमने बताया कि मसल से कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है, तो ये सारा ब्लड ध्यान सुनेगा, सारा का सारा एक कॉन्ट्रेक्शन हुआ। अब यहाँ से पहुंचने के बाद ध्यान से सुनेगा, फिर क्लियर करते हैं। राइट आपको ये आरटीएम हुआ, वहां का वेना कोआ देखो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ लोअर बॉडी का, और ये वेना कोआ आपको अपर बॉडी का, और थोरैक्स का वेना कोआ अलग होती है जो वहीं पे खुलती है। क्लियर हुआ, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, राइट एट्रियम में जाके खुलते हैं, और राइट एट्रियम में क्या होता है कि वो जब यहाँ पे होता है, फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, राइट आर्टिकल में कॉन्ट्रेक्शन होता है। आपको कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है, कॉन्ट्रेक्शन जब होगा तो ये सिकुड़ेगा, और ये जब सिकुड़ता है सिर्फ यही, तो ये जो अलिंद होता है इसका ब्लड क्या होता है, आपको इसमें अलिंद और इसमें ध्यान रखिएगा एट्रियम और वेंट्रिकल में इनके बीच में क्या होता है, छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र में आपको क्या लगे रहते हैं, वाल्व लगे रहते हैं, उस वाल्व की फंक्शन हम बताएंगे, वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व जो होगा, ये देखो ये वाल्व आपको लगे हुए बेटा, इसको लिख सकते हो, इन साइड में दिया नहीं है लेकिन आपको साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हो, वाल्व, ये वाल्व, क्लियर है, ये हम जोड़ देते हैं वहां पे, ये वाल्व लगे होते हैं उस क्षेत्र में, वो डिसाइड करते हैं आपको, वाल्व आपको वेंट्रिकल की तरफ ही खुलते हैं, तो वाल्व में जब भी प्रेशर पड़ेगा कॉन्ट्रेक्शन होगा इसमें अलिंद में, तो वो ब्लड क्या होता है आपको कहां पे पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। वेंट्रिकल में फिर क्या होगा, वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्लड क्या होगा, अभी अनप्योर ब्लड है, ध्यान रखिएगा, राइट वाले में अनप्योर ब्लड आया तो पूरी बॉडी का राइट वाले में, यहाँ पे भी अनप्योर ब्लड ही आएगा। अब इसके बाद ये पंप करेगा, ये कॉन्ट्रेक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रेक्शन करता है, तो यहाँ से आपको ब्लड जैसे ही इसमें नीले में आपको कॉन्ट्रेक्शन होगा वेंट्रिकल में, तो ये वाल्व क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ये बंद हो जाते हैं, और ताकि इसका ब्लड का वो दोबारा से आपको क्या कहते हैं उसमें एट्रियम में ना जाना पाए, अलिंद में दोबारा ना जाना पाए, ये वाल्व बंद हो जाते हैं। यहाँ पे आपको खुली रहती है नीले में, राइट नीले में आपको एक धमनी खुली रहती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा आपको पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, अनप्योर ब्लड को, ध्यान सुनेगा, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है आपको राइट वेंट्रिकल से अनप्योर ब्लड को कलेक्ट करती है, वो क्या होता है जब कॉन्ट्रेक्शन होता है उसमें, तो वो फ्लो करके कहाँ पे पहुंचता है, वो पूरी बॉडी में नहीं जाता बेटा, वो पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ आपको हार्ट तक, सॉरी लंग्स तक पहुंचती है।
लंग्स तक ब्लड को ले जाती है। क्यों ले जाती है लंग्स तक? क्योंकि लंग्स के पास ही हमको जाना है, वहीं पे आपको ऑक्सीजन क्या होती है, घुलित होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज कर दी जाती है एल्वोली में, इससे हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होती है फिर। अब क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हार्ट तक लंग्स तक पहुंचा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई आपको इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ब्रीथ के दौरान, और क्या होता है ऑक्सीजन क्या होती है फिर बेटा वहां पे घुल जाती है। अब वो अनप्योर ब्लड क्या हो गया, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे आपको ये प्योर ब्लड में कन्वर्ट हुआ, तो आप बताओगे कहाँ पे, लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास हुआ। लंग्स के पास अब आरटी का ध्यान रखे कौन ले गई थी, तो ध्यान रखेगा राइट वेंट्रिकल से आपको अनप्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाने वाली कौन होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक, ध्यान रखेगा यहाँ पे लिखा होगा कहीं, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये अनप्योर ब्लड को सप्लाई करती है, या लिख लो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ले जाती है लंग्स तक। वहां से जैसे ही प्योर होगा तो वो क्या कर रहा है, लंग्स से आपको सिराइप आ जाती है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेंस का होता है। वो प्योर ब्लड को क्या करती है, दोबारा से आपको क्या होती है, हार्ट तक लाती है, क्योंकि वहां तो सिर्फ शुद्ध होने के लिए गया था, अब प्योर ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए देना है। तो वो क्या होगा कि प्योर ब्लड जो होगा वो आपको क्या करेगा, वेंस के द्वारा, कौन सी वेंस होंगी, तो पल्मोनरी वेंस, ये ध्यान रखो, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ ये वाली पॉइंट, पल्मोनरी वेंस, देख रहे हो पल्मोनरी वेंस द्वारा क्या होता है, कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेंस क्या करती है, लाती है, और पल्मोनरी वेंस कहाँ खुलती है हार्ट में, तो आप बताओगे लेफ्ट आपको एट्रियम, क्लियर हुआ, लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध ब्लड आपको क्या होता है, एंट्री कर गया। जैसे शुद्ध ब्लड एंट्री किया फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो ब्लड क्या होता है, ये वाल्व खुल जाएंगे और वो ब्लड कहां पे आ जाएगा आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो अब कंडीशन क्या होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आया हुआ है, फिर ये क्या होगा, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, बंद हो जाएंगे वाल, इसमें दोबारा ब्लड ना वापस जाए, और इसमें से एक ओटी और ओटा होता है जिसको कहते हैं महाधमनी, ठीक है, ध्यान रखिए ओटा लिखा हुआ है, वो महाधमनियों द्वारा वो पूरा पंप से प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है, क्लियर हुआ। तो ये रहा उसका वर्ग रहा, अब कहानी आपको थोड़ा बहुत बची क्या हुआ, जब हार्ट आपको कॉन्ट्रैक्शन करता है तो क्या ये हमने बताया कि सर आपको ये डाउट होगा अभी भी कि ये कॉन्ट्रैक्शन करता है इस तरह से पंपिंग हमने देखा ना कि क्या पूरे हार्ट में होता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये पूरे हार्ट में नहीं होता, हार्ट की एक बात है, ध्यान रखो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो क्रियाएं होती है, उनकी वजह से वर्क होता रहता है। हम दिखते हैं आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फिर से शिथिलन में आ जाता है, ठीक, शिथिलन में आ जाता है। तो ये रहा आपको क्या, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये दोनों आपको क्या होते हैं, जो चैम्बर जो अलिंद और निलय है वो दोनों एक साथ नहीं होता, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन अलिंद में हो रहा है अर्थात एट्रियम में हो रहा है तो जो शिथिलन होगा वो क्रिया किसमें होगी, आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, वो क्रिया होगी किसमें आपको बेटा, आपको होगी किसमें, निलय, सॉरी हाँ निलय होगा, वेंट्रिकल होगा। तो कंडीशन दोनों ध्यान रखिएगा, इसमें जो हार्ट में दोनों पार्ट में यदि आपको कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सिस्टोल कहते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हार्ट में उस पार्ट को हम कहते हैं क्या, ध्यान रखिएगा सिस्टोल कहा जाता है, सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्सेशन होता है शिथिलन होता है तो उस क्रिया को कहते हैं डायस्टोल। सिस्टोल हुआ और क्या हुआ बेटा, आपको ध्यान रखिएगा कि सिस्टोल की क्रिया होती है और सिस्टोल की क्रिया होती है और डायस्टोल की क्रिया होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल की क्रिया होती है और डायस्टोल। अब देखो ये क्रिया क्या होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो हार्ट में आपको कौन सी क्रिया होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल को हम क्या कहेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टोल क्या कहेंगे जब शिथिलन होगा,
ठीक है, अपने एक कंडीशन में आ जाएगा। तो ये इस तरह की क्रिया होती है और दोनों एक साथ, आपको सिस्टोल और डायस्टोल की क्रियाएं दोनों एक साथ पूरे हार्ट में नहीं होती है। सिस्टोल जब करेगा कौन, ये करेगा, मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं, ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जब सिस्टोल की अवस्था होगी तो इसमें क्या होगा, सॉरी, जब इसमें आपको डायस्टोल की अवस्था होगी तो ब्लड क्या होगा, समस्त बॉडी का ब्लड जो होगा वो आपको डायस्टोल के दौरान ये शिथिलन करेगा, तो पूरे बॉडी का जो अनप्योर ब्लड होगा वो आके आपको राइट आर्टरी में हो गया, ठीक है, राइट आर्टरी में हुआ। और यहाँ पे आपको क्या हुआ, यहाँ पे जो शुद्ध हुआ था लंग से वो प्योर ब्लड आपको यहाँ पे आपके इकट्ठा हो गया, ठीक है। जब इकट्ठा होता है कब, जब इसमें क्या होती है, डायस्टोल होती है, किसमें, अलिंद में, ये डायस्टोल हुआ तो इसमें इकट्ठा हो गया। फिर जब ये क्या करेगा, सिस्टोलिक क्रिया करेगा, जब ये सिस्टोल क्रिया करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो ब्लड क्या होगा, प्रेशर से ये खुल जाएंगे वाल और कहाँ आ जाएंगे आपको बेटा, अलिंद में आ जाएंगे। तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये इसमें शिथिलन हुआ, ये आपको क्या होगा, शिथिल होगा, तो इसमें ब्लड आपको क्या होगा, पूरा फट जाएगा अर्थात अलिंद में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरे वाल बंद हो जाएंगे दोनों तरफ के, लेफ्ट और राइट वाले के वाल, वाल बने बंद हो जाते हैं। और उसके बाद आपको क्या होता है कि यदि इस वाले पार्ट में, राइट वाले में, तो यहाँ का ब्लड क्या होता है, नीले से निकल कर लंग्स तक पहुँचा दिया जाएगा, और ये प्योर वाला ब्लड क्या होता है, ओटा में पहुँचेगा, ओटा के माध्यम से आपको क्या होता है, पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से इसकी क्या होती है, सिस्टमैटिक क्रियाएँ होती हैं। अब आपको बात आती है कि ये जो हमने प्योर वाली ब्लड, थोड़ा सा एनसीईआरटी में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स आपको दिया हुआ है, वो ध्यान से पढ़ लिया, हमने एक ही लेक्चर में पूरा कवर किया। ऑक्सीजन हमने बताया कि कहाँ पे इंटर करती है आपको, लंग्स में, आपको ब्लड में इंटर करती है। तो लंग्स में जब होता है वहां से ऑक्सीजन जब एंट्री करती है, ऐसा इसलिए माना जाता है, जैसे ही जब एंट्री करती है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखो इस सिस्टम के द्वारा बिल्कुल डिवाइड करते हैं। कैसे, देखो क्योंकि इसमें जो लेफ्ट राइट वाला है, राइट वाला जो पोर्शन है हार्ट का, यहाँ से देख सकते हो ना, ये राइट, यहाँ से राइट वाले पोर्शन में हमेशा क्या होता है बेटा, राइट वाले पोर्शन में, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में सदैव आपको कौन सा ब्लड रहता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वो रहता है आपको, आपका आंसर होगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रचुर मात्रा में, ठीक है, अर्थात अनप्योर ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड। और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहता है, ये लेफ्ट साइड रहा, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और उसको कहते हैं प्योर ब्लड कहा जाता है। तो क्लियर हुआ, और सिस्टोल और डायस्टोल देखा। अब ये वाल क्यों बनी रहती है, वाल की बड़ी डिफरेंशन दिया, वो एनसीईआरटी मेंशन किया है, इसलिए बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये वाल सिस्टम में अलग करती है, क्योंकि जो अस्तनधारी होते हैं, जनरली ये माना जाता है अस्तनधारी के ब्लड जो होते हैं वो, सॉरी हार्ट जो होते हैं वो फोर चैम्बर होते हैं, अस्तनधारी मैमल्स के फोर चैम्बर होते हैं, इसलिए होता है क्योंकि अस्तनधारियों को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनमें अधिक ऊर्जा की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, अधिक ऊर्जा खर्च होती है, तो इस वजह से उनमें रिच मात्रा में आपको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या होता है, अलग कैरी किया जाता है और दोनों आपस में मिक्स ना होने पाए, इसलिए हार्ट में क्या होता है, सेप्टा बना रहता है, ठीक है, इसलिए हार्ट में क्या होता है, सेप्टा बना रहता है या फिर डिवाइडिंग वाल होती है ताकि वो फ्यूज ना करे, क्लियर ना। अब वो क्या करता है कि हार्ट में आपको फ्यूज नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको ज्यादा नहीं चाहिए, में अगर दूसरे एनिमल्स को कंपेरिजन किया जाए, जैसे आपको क्या बोलते हैं एम्फीबिया हुआ, जिसको उभयचर बोलते हैं बेटा, एम्फीबिया हुआ कुछ रेप्टाइल्स हुए, उनमें आपको हार्ट जानते हो क्या मिलता है, थ्री चैम्बर मिलता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उनमें हार्ट क्या होता है बिल्कुल कंप्लीटली फोर चैम्बर नहीं था, ये सेप्टम वाली वाल उनको डिवाइड नहीं कर रहे थे, इसके अलिंद को ध्यान रखिएगा, इसको अलिंद को डिवाइड नहीं करे, इसलिए आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं आपस में मिक्स कर जाते हैं, क्लियर ना, वो आपस में मिक्स कर जाते हैं, आपस में मिक्स कर जाते हैं। तो फिर उसके बाद आपको क्या होता है, वहां से क्या होता है, जब प्योर होगा आपको लंग्स में, उसके बाद सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपको, क्या कहते हैं उनमें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माना जाता है कि वो अपने टेम्परेचर में, अपने टेम्परेचर को क्या करती है बेटा, टेम्परेचर उनका जो होता है बॉडी का टेम्परेचर, वो आपको वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, जैसे एम्फीबिया मेंढक में देख लिया जाए टेम्परेचर उसका बदलता रहता है, फिशेज को देख लिया, फिशेज में आपको जानते हो कितने चैम्बर मिलता है, तो टू चैम्बर, आंसर में आपको वो हमने नाइन्थ में भी बताया रखा हुआ, तो वो आपको रखा हुआ कि
फिर से इसमें टू चैम्बर होता है, उसके वातावरण पे डिपेंड करता है, जैसे वातावरण बदलता रहेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठंडियों में वातावरण क्या होता है, शुष्क होता है तो उनका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, गर्मी ज्यादा आपको पड़ने लगेगी, डिपार्टमेंट जैसे चेंज हुआ तो वो अपने टेम्परेचर को क्या करेंगे और बढ़ा लेंगे। तो वो डिपेंड नहीं करता ऊर्जा पे, इसलिए ऊर्जा की करस्पॉन्डिंग नहीं होती है, इस वजह से उनका अनप्योर और प्योर ब्लड क्या होता है, फ्यूज होता है और डिवाइडिंग वाल नहीं होती। क्लियर? अब पहुंच जाती है कि जो हर्ट होता है, हर्ट में हमने देखा पंपिंग जब होती रहती है, इनमें क्लियरली सिस्टोल एंड डायस्टोल क्लियरली हो रहा है, तो हमने इसके दौरान हमने ये आपको थोड़ा सा नोटिस किया होगा बेटा कि एक बार पूरी बॉडी का अनप्योर ब्लड क्या होता है, राइट वाले पार्ट में आ रहा है, फिर राइट वाले पार्ट से प्योर होने के लिए कहाँ पे गया, लंग्स के पास गया, और लंग्स से फिर प्योर ब्लड क्या हुआ, पूरी बॉडी को ले जाता है, फिर दोबारा कहाँ आता है, आपको हार्ट में ही आता है। अब हार्ट फिर दोबारा पंप करता है, फिर उसके बाद आता है, अर्थात हार्ट में जो सर्कुलेशन का ब्लड कितनी बार आपको एंट्री करता है, तो आपको दो बार, एक तो अनप्योर वाला आपको पूरी बॉडी का, और दोबारा प्योर होके जब लंग से आता है तब दोबारा एंट्री करता है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इससे ये आपको कहलाता है, एक सिस्टम बनता है जिसको हम कहते हैं आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर आपको क्या आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं इधर क्या दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, इसी क्रिया को आप बोल सकते हो कि डबल सर्कुलेशन किसमें मिलता है, तो आप बता सकते हो मैमल्स में, क्योंकि उसमें उनके हार्ट में क्या होता है, ब्लड दो बार एंट्री करता है, उसका दो बार सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेशन होता है, इस वजह से उसको कहते हैं। तो ध्यान रखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ, एक बार तो दो बार एंट्री करता है इसलिए, और ये हार्ट का आपको स्ट्रक्चर था, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी क्या कहते हैं एनसाटी मेंशन था और उससे हट के था। अब एक हाँ एक पॉइंट और होता है, ये हार्ट जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन एक बार पूरा हो जाता है, एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड आया, फिर एक्सपेंशन हुआ तो ब्लड आया हार्ट में, कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो बाहर गया, ठीक है। तो ये पूरी जब क्रिया होती है इससे एक बनती है, क्या बनती है आपको हार्ट बीट बनती है, उसको हम क्या कहते हैं धड़कन कहते हैं, हार्ट बीट बनती है। और कहा जाता है कि नॉर्मल लेंथ पे आपको एक उसको पूरा करने में 0 सिस्टोल और डायस्टोल को पूरा करने में 0.8 आपको सॉरी 0.8 सेकेंड का समय लगता है, क्या इतने सेकेंड का समय लगता है एक सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीट करने, अर्थात आपको कह सकते हो जिसको हार्ट बीट कहते हैं, तो एक मिनट में आपका हार्ट बीट जो होती है वो हर बुकों में अलग अलग लिखा रहेगा, लेकिन आपको जानने हैं एक मिनट में, वन मिनट में आपको कितनी बार होता है, एक मिनट में आपको कितनी बार होता है, तो 72 से आपको 80 या 75 भी कह दिया, 72 से 80 बार आपको क्या होते हैं हार्ट बीट होती है। इसलिए आपको अंदाजा लगाओगे ना, कहते हैं कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है बेटा, तो आप बोलते हैं 72 बार, वो आपको थोड़ा सा इंक्रीज करता है, व्यक्ति का उतना नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज कर देता है। अब वो कब होती है जब, लेकिन रनिंग जब हम करते होते हैं, जब वर्क करते रहते हैं, रनिंग के दौरान आप इससे रहोगे तो देखो हार्ट थोड़ा सा और तेजी चलेगा, इसलिए क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होनी होती है, उसको एनर्जी आपको क्या कहती है प्रोवाइड करवानी है, तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होता है, इस वजह से हार्ट बीट थोड़ा सी बढ़ जाती है। क्लियर हो, तो ये कंडीशन आपको क्लियर रहे आपको कि ये रहा आपका हार्ट का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में, लेकिन आपको कुछ और इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर आपको क्या होता है, ब्लड प्रेशर को ध्यान रखो, प्रेशर किया जाता है सिस्टोलिक प्रेशर अलग होता है, डायस्टोलिक प्रेशर अलग होता है, सिस्टोलिक वाला प्रेशर अलग होता है, और उसका देखो क्या होता है कि जब प्रेशर होता है जो हमारे आर्टरीज होती है वही हमारे प्योर ब्लड को ले जाती है पूरी बॉडी को ले जाने वाली जो होती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, हर जगह पहुंचाती है प्योर ब्लड को, वो होती है आर्टरीज। तो आर्टरीज की वाल क्या होती है, उसकी अपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है, किसकी अपेक्षा होती है बेटा, वेंस की अपेक्षा, इसलिए क्योंकि उनको प्रेशर सहना पड़ता है, अगर वो वीक रहती तो बेटा प्रेशर भी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है जब वो ब्लड प्रेशर उस पर पड़ता है उसकी वाल को, उसके अपोजिट जब वो फ्लो करता है, पंप करता है ब्लड, तो उसमें हमारी आर्टरीज पे क्या होता है प्रेशर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं आपको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और जब सिचलन होता है तब भी उस पर प्रेशर पड़ता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, इन दोनों को मिला के ही आपको क्या बनता है ब्लड प्रेशर कहा जाता है।
धोने की वजह से जो वाल पे जो वाल पे प्रेशर बनता है हमारे आर्टरीज पे प्रेशर बनता है उसी को हम कहते हैं बेटा आपको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जनरली आपको देखा गया है अब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर उतना आया है जब सिस्टोलिक कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वाल पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की कंपेरिजन में क्या होगा ज्यादा होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर ये नापा गया है आपको, ब्लड प्रेशर भी आपको बताया जाता है। सिस्टोलिक जो प्रेशर होगा बेटा वो कितना होता है पता ही होगा सबको मालूम होगा बेटा 120 मिली क्या होता है बेटा ध्यान रखिएगा ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है ठीक। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है मिनिमम होना चाहिए, नॉर्मल आपको दे रहा है नॉर्मल इतना होता है और इसका नॉर्मल कितना होता है 80 mm का होता है डायस्टोलिक, या ब्रैकेट में पारा लिखा मरकरी होती है बेटा वो ध्यान रखिए HG होता है mm HG लिखा रहता है ऐसे HG लिखा रहता है मरकरी ठीक है ये लिखो HG मरकरी होता है। फिर उसे उसके बाद आपको ये क्या लगा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब दोनों को मिला के इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो नापते हैं डॉक्टर को देखा ना आपको नापता थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्योंकि ब्लड प्रेशर भी सिखा है ज्यादा हो गया लो हो गया तब भी प्रॉब्लम, हाई हुआ तब भी प्रॉब्लम, क्लियर हो अगर नॉर्मल से हो जाएगा तो ये कंडीशन रहा आपको ब्लड या हार्ट से जितने भी रिलेटेड बता थे वो शायद आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा और लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आपकी अप टू क्लियरेंस बने और सारे क्वेश्चन आपको हो जाए ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, स्टॉप करते हैं कंटिन्यूस करेंगे हम कल क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोगों को भी मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है। थैंक यू बेटा, बेस्ट आप लोग, थैंक यू।